हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक अध्ययन के SA1 के पेपर को हल करेंगे। बच्चों, आप अपना पेपर करने के बाद इस वीडियो से उसे ज़रूर मिलाएं ताकि आपको पता चल सके कि आपके कितने अंक बनेंगे। तो चलिए पेपर हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुल 8 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक हैं, तो कुल अंक हुए 8। का प्रश्न, भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे भारत में कुल 28 राज्य हैं। ख प्रश्न, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे तीन तरफ से जल अथवा समुद्र से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। ग प्रश्न, किस राजा के नाम पर नगर का नाम जयपुर पड़ा, तो इसका उत्तर लिखेंगे सवाई जय सिंह के नाम पर नगर का नाम जयपुर पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश के लोग बांस के खंभों पर घर क्यों बनाते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे बारिश व कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए अरुणाचल प्रदेश के लोग खंभों पर घर बनाते हैं। ड प्रश्न, कश्मीर में उगने वाले प्रमुख 2 वृक्षों के नाम लिखिए, तो यहाँ हम लिखेंगे देवदार और चिनार। च प्रश्न, रेगिस्तान में उगाई जाने वाली 2 प्रमुख फसलों के नाम लिखिए, तो इसका उत्तर लिखेंगे बाजरा और मक्का। छ प्रश्न, सरहुल त्यौहार में किस वृक्ष की पूजा की जाती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे सरहुल त्यौहार में साल नामक वृक्ष की पूजा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सही गलत का निशान लगाइए। अब यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे, सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाएंगे। क प्रश्न, दशहरे के दिन श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे, गलत। ख प्रश्न, शीत लहर जुलाई के महीने में चलती है, गलत। ग, बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप समूह स्थित है, गलत। घ, समुद्र के पानी को सुखाकर नमक बनाया जाता है, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। क, राजस्थानी खाने में डैश की रोटी का मुख्य स्थान है, तो यहाँ लिखेंगे बाजरे। ख, भोपाल शहर डैश के पठार पर बसा है, तो यहाँ लिखेंगे मालवा। ग, कृष्णा कावेरी नदियाँ डैश घाट से निकलकर डैश में गिरती हैं, तो यहाँ लिखेंगे पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। घ प्रश्न, शीत ऋतु में असामान्य ठंडी चलने वाली हवाओं को डैश कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे शीतलहर। ड प्रश्न, डैश भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो यहाँ लिखेंगे राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। यह प्रश्न भी 5 अंक का है, प्रत्येक मिलान का 1 अंक है। क्रिकेट का मिलान करेंगे अंपायर से, राजस्थान नहर का मिलान करेंगे इंदिरा गांधी नहर से, उत्तराखंड का मिलान करेंगे गंगोत्री और गोमुख से, गणेश चतुर्थी का मिलान करेंगे महाराष्ट्र से, सुंदरवन का मिलान करेंगे पश्चिम बंगाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, पहचान कर नाम लिखिए। अब यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, आप इन चित्रों को पहचान कर नाम लिखेंगे। पहला चित्र है मोर का, दूसरा चित्र मैरी कॉम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा चित्र सीढ़ीदार खेत का, चौथा चित्र कमल का। प्रश्न 6, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो भारत का मानचित्र दिया गया है, आपको निम्नलिखित को दर्शाना है। क, भारत के मध्य में स्थित राज्य, कौन सा राज्य होगा, मध्य प्रदेश। भारत के दक्षिण में स्थित एक राज्य, दक्षिण में कौन सा राज्य होगा, तमिलनाडु। ग, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य, तो यहाँ आप अरुणाचल प्रदेश को दर्शा सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने मैप में इन राज्यों को इस प्रकार दर्शाया है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।